हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले रिवोल्ट के साइड से कुछ न्यू इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के सामने आ रहा है जिसके बारे में आपको जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है अगर आप इन फ्यूचर में रिवोल्ट की इलेक्ट्रिक बाइक को लेने का प्लान कर रहे हैं या अगर आपने ये रिवोल्ट की इलेक्ट्रिक बाइक को बुक किया है। तो मुझे भी पता है कि आपके पास समय काफ़ी कम है, इसलिए मैं इस वीडियो में क्विक से आपको वो अपडेट बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो में आपको तीन अपडेट जानने को मिलेगा। पहला अपडेट है प्राइस। कंपनी ने यहाँ पर प्राइस में इंक्रीजमेंट किया है, क्या कुछ कितना इंक्रीज हुआ ये भी आपको आगे इस वीडियो में बता दूंगा। सेकंड पॉइंट है बुकिंग। जिन्होंने बुक किया है उनको ये अपडेट काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है, तो आप इस पॉइंट को बिल्कुल भी मिस ना करें। थर्ड पॉइंट हो जाता है वारंटी। तो यहाँ पे वो कंपनी ने वारंटी को भी रिड्यूस कर दिया है, कितना रिड्यूस हुआ है ये भी आपको आगे इस वीडियो में मैं बता दूंगा। तो चलिए अब इनके बारे में हम आगे विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, रिवोल्ट की जो RV 400 मॉडल है उसमें कंपनी ने 18,000 रुपये प्राइस को इंक्रीज कर दिया है। अब 18,000 प्राइस को इंक्रीज करने के बाद RV 400 मॉडल का प्राइस एक शोरूम 1,25,000 रुपये हो जाता है मुंबई को छोड़कर पूरे देश के लिए। तो यहाँ पे प्राइस 18,000 रुपये इंक्रीज कर दिया है। कंपनी ने यहाँ पे प्राइस इंक्रीजमेंट का कारण बताया कि अचानक से कच्चे माल में जो प्राइस इंक्रीज हुआ है उसके वजह से कंपनी को यहाँ पे 18,000 रुपये प्राइस को इंक्रीज करना पड़ा है। कुछ महीने पहले कंपनी ने RV 400 मॉडल में 28,200 रुपये प्राइस को कम किया था, बट यहाँ पे अचानक से कंपनी ने फिर से 18,000 रुपये प्राइस को इंक्रीज कर दिया है RV 400 मॉडल में। सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करें बुकिंग। जिन्होंने बुक किया है, मैं वीडियो बना रहा हूँ 29 नवंबर 2021 को, जिन्होंने 28 नवंबर 2021 से पहले पुराने वाले प्राइस के साथ बुक किया है, अब उनको नए वाले प्राइस पेमेंट करना पड़ेगा तभी आपको बाइक डिलीवर की जाएगी। ये कंपनी ने ऑफिशियली घोषणा कर दिया है। मतलब अब जिन्होंने पहले से बुक किया है, अगर आप पहले भी बुक करते हैं या अगर आप अभी भी बुक कर रहे हैं, तो आपको अब नए प्राइस के साथ ही बाइक को डिलीवर करना पड़ेगा, मतलब खरीदना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, तभी आपको बाइक डिलीवर की जाएगी। मतलब अब आपको शोरूम प्राइस 18,000 रुपये इंक्रीजमेंट होने के बाद 1,25,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपको इस बाइक की डिलीवरी की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट हो जाता है जिन्होंने बुक किया है। अगर आप सोच रहे थे कि पहले जो प्राइस है कम प्राइस में हम बुक किए हैं तो कम प्राइस में ही मुझे मिलेगा, बट ये ऐसा नहीं होने वाला है। नए प्राइस के साथ ही अब आपको इस बाइक को परचेज करना पड़ेगा, तभी आपको ये बाइक डिलीवर की जाएगी। और थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें तो थर्ड पॉइंट होता है वारंटी। जो रिवोल्ट की बैटरी की वारंटी पहले मिलती थी 8 साल या फिर 1.5 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिलती थी, जो कि 3.224 kWh की बैटरी इसमें मिलती है। अब इसके वारंटी को रिड्यूस करके, बैटरी की वारंटी को रिड्यूस करके, अब इसमें आपको 6 साल की वारंटी या फिर 1,00,000 किलोमीटर तक की वारंटी दी जाएगी। मतलब पहले की तुलना में अगर साल में कंपेयर करें तो पहले 8 साल मिलता था, अब 6 साल, मतलब इसमें 2 साल कम कर दिया गया है। और किलोमीटर की कंपेयर करें तो पहले 8 साल में 1.5 लाख किलोमीटर मिलता था, तो अब यहाँ आपको 6 साल में सिर्फ 1,00,000 किलोमीटर की ही बैटरी में वारंटी मिलेगी। मतलब इसमें भी आपका 50,000 किलोमीटर कम कर दिया गया है। रुपये मैंने बोल दिया, वो गलती से, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे अब आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगा, मतलब प्राइस इंक्रीज तो हो रहा है बट यहाँ पे वारंटी भी रिड्यूस हो रहा है। मतलब यहाँ पे कंपनी का ही फायदा है, कस्टमर का यहाँ पे थोड़ा सा लोचा है, लॉस है। तो ये आप अपने में डिसाइड कर लीजिएगा कि क्या कुछ आपको इसमें मतलब दिक्कत लगता है। बट यहाँ पे क्या करे आदमी भी, यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस तो इंक्रीज हुआ है, आदमी बंदे कहीं ना कहीं भाई पेट्रोल वाली बाइक से छुटकारा पाना चाह रहे हैं जिसमें कम बजट में वो डिस्टेंस कवर कर पाए, तो इसलिए हमें इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ मूव करना पड़ रहा है। और इलेक्ट्रिक वाहन में भी हमें थोड़ा सा रेंज ज़्यादा चाहिए, लुक ज़्यादा चाहिए, जो कि अभी रिवोल्ट की बाइक में देखने को मिल जाता है। स्कूटर तो बहुत सारे हैं बट बाइक के हिसाब से अगर आप देखें तो रिवोल्ट ही अभी एक नंबर पर छाया हुआ है, जिसमें आपको लुक और प्राइस और रेंज जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो ये था एक क्विक सा अपडेट वाला वीडियो। अगर मैं फीचर के बारे में बात करें तो फीचर के बारे में बात करेंगे तो इस वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो फीचर इसमें छोड़ देता हूँ क्योंकि फीचर आप लोगों को भी पता है। तो यही था क्विक सा अपडेट वाला वीडियो। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राइड विथ बाइक।